आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के एक लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसी तरह की अपडेट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी ऑफिशियल अपडेट यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल होम पेज पे मिलता है, जो की है UPSS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 
वाल करना होगा। जब आप व्यू वाल करेंगे तो जो लेटेस्ट नोटिस होती है वो सबसे पहले दिखाई देती है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2018, यानी कि यह नोटिस 2018 की भर्ती के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि ये नोटिस जारी की गई है 2 दिसंबर 2021, जो कि यहाँ पे डेट लिखा गया है, और ये 2018 की राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की परीक्षा के लिए है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि इसकी लिखित परीक्षा 30 मई 2019 को आयोजित की गई थी, और यहाँ पे जो भी लोग पास हुए थे उनका रिजल्ट 10 ग्यारह 2020 को प्रकाशित किया गया। यहाँ पे देखिए दो तरह के पद हैं, जो आशुलिपिक में कुल मिला के 10 पद है, इसके लिए कोई भी अभ्यर्थी सफल नहीं हुआ है, लेकिन जो दूसरा वाला पद है कनिष्ठ सहायक, इसके 35 पदों के लिए 51 लोग सफल हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे जाकर आप देखेंगे तो सबका रिजल्ट दिया गया है। तो अगर आप मंडी परिषद भर्ती से संबंधित हैं, इसमें और भी रिजल्ट है, तब आप इस नोटिस पे जरूर गौर करें। इसके अलावा बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की आगामी भर्ती लेखपाल के लिए। तो देखिए लेखपाल के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, हालांकि इतना तय हो चुका है कि इसकी जो भर्ती आएगी अब वो मंडलवार ना आकर के पूरे राज्य स्तर पर ही होगी, जैसे कि अन्य भर्तियाँ होती हैं। और जब ये भर्ती पूरे राज्य स्तर पे होगी तो जाहिर सी बात है कि सबके लिए कट ऑफ एक होगा। जब ये भर्ती मंडल स्तर पे होती थी तो हर एक मंडल का, इनफैक्ट हर एक जिले की कट ऑफ अलग अलग होती थी। अगर आप अमर उजाला की इस पेपर कटिंग पे गौर करें जो कि 3 दिसंबर का है, तो यहाँ पे हेडिंग है कि पहले की लेखपाल भर्तियों में हर जिले के लिए होता था अलग कट ऑफ, जाने इस बार लागू होगी कौन सी प्रक्रिया। तो यहाँ पे देखिए सीधे हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि 7,882 पदों पर भर्ती होने वाली है, और पहले होता था इसमें अलग अलग जिले का अलग अलग कटऑफ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार इसका आयोजन पूरे राज्य भर में किया जाएगा और इसके लिए एक ही कटऑफ जारी की जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ बेनिफिट मिले लेखपाल भर्ती में, तो यहाँ पे देखिए हेडिंग है कि अगर आपके पास है ये अतिरिक्त योग्यता तो लेखपाल भर्ती में आपको हो सकता है जबरदस्त फायदा। अब ऐसा क्या है, तो यहाँ पे जाने पे आपको बताया गया है कि अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में 2 साल का अनुभव होगा या फिर एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट होगा तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी या फिर किसी भी भर्ती में अगर आपके पास एनसीसी का बी लेवल का सर्टिफिकेट होता है तो आपको वरीयता मिलती है। तो इस भर्ती में भी वही होगा, अगर आपके पास इनमें से कोई भी है तो आपको वरीयता दिया जाएगा। हालांकि सब कुछ क्लियर होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो कि अभी तक नहीं आया है। अंतिम में बात कर लें कि आखिर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इतनी देरी क्यों हो रही है, तो देखिए इसकी जो सेवा नियमावली है 2006 वाली, उसमें अभी बदलाव नहीं हुआ है। जब तक बदलाव नहीं हो जाता है तब तक इसका विज्ञापन आ पाना मुश्किल है। सरकार पूरी तरह से चुनावी मूड में है और इसमें अभी बदलाव नहीं हो पाया है। चांसेस ये हैं कि अगले 5 से 6 दिनों में जब भी बदलाव हो जाएगा आपको इस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। रही इसके परीक्षा डेट के बारे में, तो इसका परीक्षा चुनाव से पहले अब नहीं होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर 10 दिसंबर से इसका आवेदन शुरू होगा तो 10 जनवरी इसकी अंतिम तिथि होगी। कम से कम 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको आवेदन करने के लिए। जनवरी के बाद फरवरी में से चुनाव होने लगेंगे, तो इसका फॉर्म भले ही आपको पहले मिल जाए लेकिन एग्जाम चुनाव के बाद ही होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।